नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश का मुसलमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने करीब है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि चुनाव के बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुश्तबा ने दिल खोलकर देश के प्रधान सेवक की जमकर प्रशंसा की है। ये वही शिया धर्मगुरु हैं जिन्हें देश विरोधी ताकतें मारने की धमकी देती हैं। ये वही शिया धर्मगुरु हैं जो अक्सर आरएसएस का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, और ये वही शिया धर्मगुरु हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि पर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनाने की वकालत की थी, और ये वही शिया धर्मगुरु हैं जिन्होंने देश हित के लिए राष्ट्रीय एकता और भाईचारे पर जोर भी दिया, और आज यही शिया धर्मगुरु पीएम मोदी के तोहफे से इस कदर आनंदित हैं कि देश के शिया मुसलमान पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट देना चाह रहे हैं। जी हाँ, क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं धर्मज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। शिया धर्मगुरु ने पढ़ी मोदी चालीसा, शिया मुसलमानों का दिल हुआ गार्डन गार्डन, अब क्या रिटर्न गिफ्ट की बारी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देश के इस चुनावी मौसम में राजनीतिक पंडितों से लेकर मोदी विरोधियों की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि क्या देश का मुसलमान मोदी के साथ है, यानी कि मुसलमानों का सच्चा हमदर्द आखिरकार कौन है। जब जब देखिए मुसलमानों की बात उठती है तो कांग्रेस खुद को मुस्लिम हितैषी बताती है, हालांकि ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बीते 30 सालों में मुसलमानों को आरक्षण देने पर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही। आरक्षण देने का वादा हमेशा किया लेकिन अपने इस वादे को निभा पाने में असफल भी रही। अब अगर देखिए मोदी सरकार के बीते 10 सालों पर अगर एक नजर डाली जाए तो देखिए 14 और 19 दोनों बार 8% मुसलमानों ने मोदी को चुना। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर और हज कोटे को 2 लाख से ज्यादा बढ़ाकर भाजपा सरकार ने देखिए मुसलमानों के दिल तक पहुंचने की कोशिश तो की है, लेकिन उनकी ये कोशिशें तब रंग लाई जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। जी हाँ, आपको जानकर आज ये ताज्जुब होगा कि देश के शिया मुसलमान राम मंदिर की भव्यता को देखकर सबसे ज्यादा आनंदित हैं। जी हाँ, शिया धर्मगुरु कोकब मुश्तबा खुद ये कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करवाकर मोदी सरकार ने उन्हें अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। हाल ही में देखिए उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए ये बयान दिया है, 500 वर्षों से राम जन्म मंदिर भूमि आक्रांताओं के कब्जे में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के अनुसार इसे आजाद करवाया। इन्होंने श्री राम के अनुसार ही वहां राम मंदिर का निर्माण कराकर देश और दुनिया को बड़ा तोहफा दिया है। अब मथुरा काशी सहित अन्य धर्म स्थलों पर भी भव्य मंदिरों का निर्माण होना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को इनमें भागीदारी कर सांप्रदायिक सौहार्द राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता और चारों वेद भी समर्पण त्याग और संयोग की शिक्षा देते हैं और इसके बताए रास्ते पर ही चलकर विश्व में शांति संभव है। अब भले ही शिया धर्मगुरु कोकब मुश्तबा ने राम मंदिर को देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा तोहफा बताया है, लेकिन देखिए इसी देश और दुनिया में शिया मुसलमान भी आते हैं और इस कारण राम मंदिर की भव्यता भारत के शिया मुसलमानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, और अब बारी है रिटर्न गिफ्ट देने की। जी हाँ, संघ के जमाने से लेकर देखिए आज की भाजपा के लिए राम मंदिर का निर्माण उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा, और अब जब दशकों के इंतजार के बाद संघर्ष और जन आंदोलन के बाद अयोध्या में रामलला पधार चुके हैं तो ऐसे में देश का संत समाज फिर से खिलते कमल की मांग कर रहा है। फरवरी में संगम नगरी प्रयागराज में हुए संत सम्मेलन में संत महात्माओं ने शिरकत की और उन सभी ने एक सुर में मोदी को फिर से लाने की आवाज भी उठाई। एक सुर में ये कहा था कि राम राज्य स्थापित होने और काशी मथुरा की पूर्ण मुक्ति के लिए मोदी को फिर से पीएम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि कमल को खिलाना जरूरी है। यहां तक कि रिटर्न गिफ्ट में भाजपा को 400 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद भी इसी संत समाज ने दिया। सौ बात की सिर्फ एक बात यह है कि अब बारी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटर्न गिफ्ट देने की। धर्म पथ पर चलकर जिस प्रकार पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी इन कोशिशों से आज आप कितने संतुष्ट हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुझे लगता है, यानी देखिए हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं,
ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है, और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं, और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।